हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया होगा, जैसे कि हम लोग का वीडियो चल रहा है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग का प्रश्नावली 2 कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3 देखते हैं। तो प्रश्नावली 3 में हम लोग का टॉपिक है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। ठीक है, योग ज्ञात करना मीन्स लाइक हम लोग के पास समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, ऐसा कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें बोलेगा कि प्रथम 3 पदों का योग निकालो, प्रथम 4 पदों का, या बोल सकते हैं कि 20वां पदों तक, 50वां पदों तक तक योग निकालो, बोल सकते हैं ना, तब हम लोग को उसका इस समांतर श्रेणी का योग निकालना है। तो अगर लाइक बोला जाए कि प्रथम 3 पदों का या 3 पदों तक, तो एस थ्री अगर निकालने के बोले, मतलब एस3 3 पदों तक योग निकालो बोल दिए, तब उसको एस3 लिखेंगे। क्यों एस क्यों लिखा हूं? क्योंकि एस मतलब होता है सम, सम मतलब होता है योग, क्लियर। और 3 क्यों? क्योंकि 3 पदों तक बोले हैं, इसलिए मैं वहां 3 लिखा हूं। तब इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग? 2 + 4 + 6, 3 पद हुआ, तो इन तीनों का योग कितना हो जा रहा है? तीनों का योग करेंगे तो 6 × 4 = 10 = 12, तो इस तरह एस3 कितना आ जाएगा हम लोग को? 12। इसी तरह हम लोग को योग निकालना है। तो ये तो इजी था, और 3 पद बोले थे तब तो कर लिए। लेकिन क्या अगर इसी तरह हम लोग को 30वां पद के लिए बोले, 50वां पद के लिए बोले, 60वां पद के लिए बोले, तब वहां तक कर सकते हैं क्या? वहां तक के लिए कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग के पास इस टॉपिक के लिए एक फॉर्मूला है, जिसे हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? (S(n)(2)(n/2)(2a+n-1d), ये है फॉर्मूला योग का, किसी समांतर श्रेणी का योग निकालने का फॉर्मूला यही है, क्लियर। ये है फॉर्मूला। तो अब यहां देखो, यहां बहुत से वेरिएबल को आप अच्छे से जानते हो, लाइक डी को पहले से जानते हो। डी क्या है? सर्वांतर होता है, ठीक। और एन क्या है? पदों की संख्या। उसी तरह ए क्या है? ए को तो जानती हो, वो क्या है? प्रथम पद है। तब डी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, द्वितीय पद माइनस कौन सा? प्रथम पद, देख चुके हैं पहले से ये हम लोग डी का फॉर्मूला भी, तो इसको भी आप लोग अच्छे से रखो। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग के प्रश्न वाले से प्रश्न। ठीक, प्रश्न वाले से प्रश्न पहला देखते हैं। कौन से प्रश्न वाले से? प्रश्न वाले 3 से प्रश्न पहला देखते हैं। दिया है हम लोग के पास 9, 12, 15, एक समांतर श्रेणी है, इसका 16 पदों तक क्या निकालना है? योग निकालना है हम लोग का 16 पदों तक। ये समांतर श्रेणी दिया है, इसका 16 पदों तक योग निकालना है बोल रहे हैं। तब देखो यहां क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तब यहां प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद ए बराबर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रथम पद क्या है? 9, इसलिए यहां मैं लिख दिया 9। उसी तरह डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू बताओ तो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना है, तो द्वितीय पद 12 है, 12 में कितना घटा देना है? 9, तो 12 में 9 घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? डी का आंसर, डी का वैल्यू, क्लियर। और क्या इसमें रखने के लिए? एन की जरूरत है, तो एन कितना है? एन बराबर है 16, क्योंकि 16 पदों तक योग निकालने के लिए बोले हैं, इसलिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्लियर है। आगे मैं बताता हूं, अब हम लोग का इसका हो जाएगा, देखो हम जानते हैं सूत्र लिख देंगे। क्या है सूत्र? (s)(n)(2)(n/2)(2a+n-1d), ये है हम लोग के पास फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट आउट करते जाएंगे, (a)16 हो जाएगा। ठीक है, (a)16 बराबर (n/2) रखना है,
तो उस एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 16 है, तो मैं 16/2 रख दूंगा अपॉन में 2a, सॉरी ब्रैकेट में 2a है, तो 2 का तो 2 रहेगा ही, इनटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू प्रथम पद है ए, इसलिए इस ए का वैल्यू 9 है, तो वहां मैं लिख दिया 9 प्लस n-1 करना है, तो n का वैल्यू कितना है? 16-1। फिर d का वैल्यू कितना निकाले हैं? d का वैल्यू है हम लोग के पास 3, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, इसलिए यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब इसका गुणा कर दो, दोनों गुणा में तो 9 2 18 प्लस 16 में 1 जाएगा तो 15। अब ये गुणा में हो है, वो है तो गुणा 3। क्लियर यहाँ तक? अब 8 का 8 18 प्लस दोनों का गुणा कर दो तो 15 3 45, 5 हुआ और ये 8 की 8, अब इन दोनों को जोड़ दो तो 45 10 55 55 8 63 63 हो जाएगा, और इन दोनों का गूढ़ा करो तो 8 3 24 के 4 हासिल रहेगा 2 और 8 6 का 48, 48 2 50, अतः ये हम लोग का A16 हो जाएगा। लिख सकते हैं अतः SN=504 होगा। क्लियर है? ये हम लोग का फाइनल आंसर है इसके लिए। आप लोग के बुक में इसके छोड़, इस ये तो प्रश्न पहला का पहला है, इसके छोड़ 5 और प्रश्न है और कुछ एग्जाम्पल्स भी है, तो उसको भी आप लोग करके जरूर देखना, तभी आप लोग को समझ आया है, तो उसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर फिक्स हो जाएगा आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के बुक से, प्रश्न चौथा, उसमें दिया क्या है? प्रश्न चौथा में किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और अंतिम पद 11 दिया हुआ है, तब हम लोग को, और साथ ही साथ दिया हुआ योग 36 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर निकालना है, पदों की संख्या और सर्वांतर। दिया क्या क्या है? दिया है प्रथम पद, प्रथम पद मतलब a बराबर दिया है 1, अंतिम पद मतलब लास्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है? 11, और sn योग दिया हुआ है कितना? 36। ये दिया हुआ है, तब हम लोग को निकालना है पदों की संख्या, पदों की संख्या मीन्स एन निकालना है, और सर्वांतर, सर्वांतर किसको बोलते हैं? डी को, तो डी निकालना है। तीनों चीज दिया हुआ है और ये दोनों चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं देखो। तो यहां हम लोग कर सकते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं? एस एन, एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? एल इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसके बाद एल का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस n-1 डी, ये होता है, तो मैं इतना तो रहता ही है, तो इसके जगह पे क्या लिखा हूं? एल लिखा हूं यहां पर। क्लियर है? अब वैल्यू पुट आउट करते जाओ तो एस एन का वैल्यू कितना है? 36 बराबर एन का वैल्यू निकालना है बटा 2, ए का वैल्यू है 1 प्लस एल का वैल्यू कितना है? 11। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा एन अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा? 11 और 1 12। क्लियर है? आगे देखो, 2 1 कम 2 और 2 6 12, तो 36 बराबर हो जाएगा एन गुणित 6। क्लियर है? फिर इस यहां तक करने के बाद क्या करना है हम लोग को? उसको यहां भेज देंगे, 36 बराबर एन गुणित 6 है, तो ये जो गुणा वाला है उसको कहाँ भेजेंगे? यहाँ, तो भाग में आएगा 6 1 कम 6 6 6 का 36, इस तरह एन का वैल्यू आ गया। पहला आंसर हम लोग का कंप्लीट है, पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या कितनी है? 6 पद है उस समांतर श्रेणी में, और हम लोग को निकालना है अतः, या लिख सकते हैं अब क्या डी निकालना है, तो डी को किसी भी फॉर्मूला में हम लोग इसमें ही रख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी होता है, या जो जो वैल्यू पता है उसको रखते जाओ, तो एल का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, एल का वैल्यू कितना है? 11 बराबर ए का वैल्यू है 1 प्लस एन का वैल्यू हम लोग जस्ट अभी फाइंड किए ऊपर में, एन बराबर है कितना? 6 -1, और डी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो 11 इज इक्वल
प्लस वन, वन प्लस 6 में एक जाएगा तो 5d है, तो d 5d होगा। अब इस d का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, इस एक का पक्षांतर कर देना है, तो क्या होगा 11 माइनस 1 बराबर 5d, 11 में 1 घटेगा तो 10 बराबर 5d हो जाएगा। और फिर इस d का वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस 5 का पक्षांतर करना पड़ेगा, 5 कहाँ आएगा बटा में, तो ये हो जाएगा d हम लोग के पास, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लो और इससे रिलेटेड प्रश्न करके देखते ही रहना।